दोस्तों, योगी विद्याभार को कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि कैसे यमुनागढ़ में प्रवेश करें, क्योंकि यमुनागढ़ के चारों ओर से यमुना नदी बहता था। बीच में यमुनागढ़ बसा हुआ था। जब योगी विद्याभार को कोई उपाय नहीं दिखा, तब विद्याभार गुरु को सुमिरन किया और मृगछाल पर बैठकर आकाश के मार्ग से यमुनागढ़ में पहुँच गया और घूम घूम कर शहर देखने लगा। घूमते घूमते जब गढ़ के पास पहुँचा और वहाँ विद्याभार अपना वंशी बजाने लगा। जब वंशी की आवाज़ गढ़ में यमुनी की कानों में पड़ी तो विचार करने लगी, इतना मधुर वंशी कौन बजा रहा है जो मन को पुलकित कर रहा है। तब यमुनी गढ़ से बाहर निकल आई और बाहर विद्याभार को देखते ही मोहित हो गई और बोली, तुम्हारे लिए अभी तक मैं कुंवारी हूँ। 12 बरस तक तुम्हारे लिए मैंने तप किया। अब आए हो तो मुझसे विवाह करो। भगवान ने मेरी सुन ली। मेरे तप का फल मुझे मिल गया। तो हर खातिर हम अब ले कुंवरिया हो, अब ले कुंवरिया हो रमा हो, कर योगी हम से विवाह नूरे की। 12 बरिस भैले करत मोहित पवाहो, करत मोहित पवाहो और महो, तपवा के फल आज मिलल रे की। हवा मोरे असी या पुराव हूँ हो, असी या पुराव हूँ हो और महो, बहुत दिनन के असिया लागल रे की। जेकरा से ब्याह कैली ओकर ना पुराव हूँ हो, कर ना पुरावली हो और महो, दूसरा के कैसे अस पुराव हुरे की। गुरु हमारे राम गैले हिंगुल जवा हो, गैले हिंगुल जवा हो और महो, गुरु के खोजन हम जात नूरे के। ओने से लौटब रामा ले ले चलब सथवा हो, ले ले चलब सथवा हो और महो, सब कर असिया हम पुराई बरे की। सुनी के यमुनी बोले ली बचनिया हो, बोले ली बचनिया हो और महो, सुन योगी बचन हमार नूरे के। हमारे विश्वसवा नाही होला तोहरी बतिया हो, होला तोहरी बतिया हो और महो, हमसे बन हुआ करके जात नूरे की।